तो अगली खबर बलिया से है, जहां कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जिला चिकित्सालय का जायजा लेने पहुंचे थे। बस इसी दौरान अव्यवस्था की सारी पोल बलिया के प्रभारी मंत्री के सामने खुल जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में बहुत सी कमियां देखने को मिली। मरीजों के बेड से लेकर मरीजों के लिए बनी अलमारी तक सब कुछ बदहाल दिखा। स्थिति तो यह थी कि मौके पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जिला अस्पताल की सारी कमियों की पोल पट्टी मंत्री के सामने खोलकर रख दी। हालांकि इसके साथ ही अस्पताल रेडियोलॉजिस्ट की कमी से भी जूझ रहा था, जिसे दूर करने का आश्वासन भी दिया गया है और जल्दी ही अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत भी होने जा रही है। तो जिले के प्रभारी मंत्री जो है जिला अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत वहां की जो तस्वीरें थी उसने इस अस्पताल की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग जो है ग्राउंड जीरो से लेकर ऊपर लेवल तक तमाम तरह की व्यवस्थाएं तमाम अस्पतालों को दे रहा है खुद मुख्यमंत्री, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जो हैं वो तमाम अस्पतालों से सीधे तौर पर कहते हैं कि आपके पास जो भी कमियां आ रही हैं आप विभाग के सामने रखिए। तमाम अस्पतालों का जायजा खुद स्वास्थ्य मंत्री भी ले रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की कमियां सामने आ रही हैं। इसी में जिला प्रभारी मंत्री यहां पहुंचे जायजा लेने। इस दौरान तमाम तरह की कमियां सामने आई, इसको लेकर उन्होंने तमाम अधिकारियों को डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तमाम कमियों को जल्द सुधार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नहीं है, बहुत सारे ऐसे विशेष चिकित्सा की जो डॉक्टरों की जरूरत है वो यहाँ नहीं है। उसके लिए हम सब लोग प्रयास करके सबसे जरूरत जो रेडियोलॉजिस्ट की है, इसके चलते हमारा अल्ट्रासाउंड हो सके और भी चीजें हैं। तो ये जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जिला अस्पताल का निरीक्षण सर माननीय मुख्यमंत्री जी तब कर चुके हैं। आपके यहाँ पिछले कई सालों से बनकर ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है, केवल डॉक्टर और कर्मचारियों के वहाँ में वो केवल ओपीडी बनकर रह गया है, वहाँ रखे वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं। हर बार निरीक्षण में केवल यही आश्वासन मिलता है कि हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जनता के हाथ में कुछ लगता नहीं है, जिसका नतीजा है कि लोगों को बाहर भटकना पड़ता है। सर डॉक्टर बाहर नहीं जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा इस ट्रॉमा सेंटर को शुरू करा दूंगा। अब मैं स्थायी तौर पर इस जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, रोज आपके बीच। सर यही आपसे पहले भी प्रभारी मंत्री रहे, सीमित सागर में जो यहाँ के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर उनको जब तक सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जाए कैसे काम करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है सर, कब ये करने वाले निर्णय होगा, कब आप इसको? कम सर कर्मचारी और डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, आधे से भी कम। यही सब तो हम लोग को प्रयास करके बढ़ाना है ना, इसी के लिए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अपने मंत्री से कह के अपने सारे लोगों से कह के ये मेरा अपना एफर्ट है, जिला प्रशासन करोड़ों रुपए जो वहाँ वेंटिलेटर जो है वो धूल फाक रहे हैं, अब खराब होने की नौबत पे आ गए। सर आप जब वहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो उसको मशीनरी का क्या मतलब? जिले स्तर पे जब आप मैन पावर बढ़ाएंगे तभी तो कोई काम कर पाएगा। आप लोग पहले भी जिला प्रभारी हम लोग मंत्री समूह के साथ आ चुके हैं, अब आपके जिले में स्थायी प्रभारी हर जिले में नियुक्त मंत्री जी, इसके पहले भी कई जिला प्रभारी मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक निरीक्षण कर मुख्यमंत्री जी ने किया, प्रभारी मंत्री राजभर जी ने किया, राठौर साहब ने किया। मशीन्स बढ़ी हैं यहाँ पर, रेडियोलॉजिस्ट पहले नहीं थे, बीच में रेडियोलॉजिस्ट आए, अभी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और आगे भी प्रयास होते रहेंगे समय के साथ साथ।